हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट, आपको बता दें कि इससे पहले फरारी मेथड पर 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अगर आप देखे नहीं हैं तो उसको देखिए, फिर इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन x^(-12x³+41x²-18x-72=0 बाय फरारी मेथड। तो जो गिवन है उसी से मैं प्रोसीड करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, वी हैव क्या x^(-12x³+41x²-18x-72=0 यही है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको और इसको इसी साइड रहने दूंगा और बाकी इनको उस साइड कर देंगे। तो x^(-12x³ फिर इक्वल्स टू, फिर इसको इस साइड करेंगे तो क्या आएगा, 41x² माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो 18x+72, ठीक। अब इसको और इसको लेके मैं क्या करूँगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँगा। उससे पहले मैं आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता देता हूँ, आई होप आपको पता होगा। तो क्या होगा, a²-2ab+b² यही होता है। इसी पे सेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस पे सेट करते हैं। x^4 को मैं लिख सकता हूँ x² का भी होल स्क्वायर, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -2 और फिर इसको a है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2a, ये 2ab है, -2ab है, ठीक है ना। तो 2a और b क्या करूँ कि यही आ जाए, क्या मैं b लूँ तो मल्टीप्लाई करूँ तो यही आ जाए। तो क्या लूँगा मैं, 6x लूँगा। तो 6x जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 2 = 12 और x² × x क्या होगा, x³, तो यही आ गया। तो a²-2ab अब +b², तो b यही है जो भी मैं कंसीडर किया हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे, 36x². अब मैं इस साइड क्या किया हूँ, 36x² एक्स्ट्रा लाया हूँ, तो इस साइड भी ऐड करूँगा तभी बैलेंस होगा इक्वेशन, ठीक। तो 36x²-41x²+18x+72, ठीक। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x² -6x² अब इसको अगर मैं ओपन करूँ a-b² से तो यही आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा, -5x², ठीक, और यहाँ पे +18x और +72 मिलेगा, ठीक। इतना करने के बाद मैं बताया हूँ आपको अभी तक कि मैं लेमडा को इंट्रोड्यूस कर दूँगा। लेमडा इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या, x²-6x+λ² ठीक। अब आप क्या करिए, इसको और इसको ए कंसीडर करिए, मतलब इन दोनों को ए कंसीडर कर लीजिए और इसको बी कंसीडर कर लीजिए और आप सिंपली a+b के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x²-6x का क्या होल स्क्वायर +b², दैट इज क्या है, λ² +2ab। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, x²-6x। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, x²-6x² तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा। तो क्या लिखेंगे, -5x² यही वाला लिख रहे हैं, +18x+72, फिर से +λ² यही, +2λ यहाँ पे x²-6x, ठीक। अगर मैं डायरेक्ट यही लिख दिया होता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होते कि कैसे ये आ गया, ठीक है ना, इसलिए मैं इस तरीके से बताया हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि सबको कलेक्ट करके लिखेंगे, x² x और कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे होगा यही वाला, x²-6x+λ² यहाँ पे देखिए क्या है, 2λ x²-5x², तो क्या लिखेंगे, 2λ-5 और बाहर क्या लिख देंगे, x² फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, -12x है और -12λ x है और क्या यहाँ पे क्या है, 18x है, ठीक। तो अंदर क्या होगा, 18-12λ x को बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो λ² + 72, तो क्या होगा, λ² + 72, इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें।
अब यहाँ पे लेमडा क्या है, वो कांस्टेंट है, उसको भी मेंशन कर दीजिए और उसी लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे वेयर वेयर लेमडा इज कांस्टेंट। अब इसके बाद सॉल्व करने का दो प्रोसीजर है, ठीक। पहला प्रोसीजर ये है कि आप क्या करिए कि ये जो RHS है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो LHS है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। और एक और प्रोसीजर है कि इसको ए और इसको बी और इसको सी कंसीडर करते हुए डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल करिए। फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो लेमडा में क्यूबिक हो जाएगा, तो वो और टफ हो जाएगा वहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो मैं उस प्रोसीजर से नहीं सॉल्व करता हूँ, अभी तक जो प्रोसीजर से वीडियो को अपलोड किया हूँ उसको उससे ही मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करता हूँ, मैं कंसीडर करूँगा कि इफ़ RHS, अगर जो राइट हैंड साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या होगा। इफ़ RHS इज ठीक टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर देन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज वेल एज कांस्टेंट टर्म बोथ शुड बी क्या परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो अभी तक देखते आ रहे होंगे तब, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि वी पुट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू किसके 1, 4, 9, 16 1/4, 1/9, 1/16 एटसेट्रा, ठीक। तो हम देखिए क्या कंसीडर करता हूँ, ठीक। तो मैं कंसीडर करूँगा कि लेट क्या, जो हमारा कोफिशियंट है 2λ-5, तो क्या है 2λ-5 इक्वल्स टू क्या कंसीडर करेंगे 1, ठीक। तो जब यहाँ पे मैं लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। तो जो लेमडा की वैल्यू आई है उसको मैं क्या करूँगा, इसे कांस्टेंट टर्म में पुट करूँगा। तो जब कांस्टेंट टर्म में पुट करेंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या होना चाहिए, पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, तो क्या है लेमडा स्क्वायर प्लस 72 है, ठीक। तो क्या यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा 9+72 और जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास आएगी 81, जो क्या है पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अब हम ये लेमडा की जो वैल्यू 3 आई है उसको इसमें पुट कर सकते हैं। अगर यही नहीं आया होता परफेक्ट स्क्वायर तो मैं यहाँ पे 1 कंसिडर किया हूँ ना, कोई और लेके कंसिडर करता, 4 लेके कंसिडर करता, 4 पे भी नहीं आता तो 9 लेके कंसिडर करता, या नेगेटिव आ गया होता तब भी यही करते हैं, ठीक है ना, कोई और लेके, ठीक। तो लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इस लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो हमें देखिए क्या मिलता है, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेमडा है, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और लेमडा की वैल्यू क्या है 3 है, तो प्लस 3 का स्क्वायर फिर इक्वल्स टू, फिर जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं इसको भी परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखूँगा, तो देख लीजिए इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 9 का क्या होल स्क्वायर, ठीक। अगर आप इसको ओपन करेंगे ये माइनस बी के होल स्क्वायर से तो यही आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसको इस साइड लेके आइए और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो वही मेरा सॉल्यूशन वहाँ से आएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर माइनस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक रिजल्ट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी,
तो आप इसको ए कंसीडर करिए, इसको बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है, तो वहाँ से इसको ओपन करिए, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास होगा प्लस एक्स माइनस नाइन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, और यहाँ से आएगा कि माइनस एक्स और प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। अब सेपरेटली इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ फाइव एक्स और क्या माइनस सिक्स, और यहाँ से मेरा मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। अब सेपरेटली मैं दोनों क्वालिटी को सॉल्व करूँगा, वहीं से हमारा दोनों रूट्स आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, और इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। अब दोनों क्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की टू वैल्यू आएगी, एक तो आएगा माइनस वन और एक आएगा क्या सिक्स, और यहाँ से x की टू वैल्यू आएगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, आप मैं बहुत बार बताया हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, तो बहुत ईजी है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से फोर और थ्री आएगी। तो आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे।